हेलो व्यूअर्स, मैं हकीम वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास हलवे के बारे में। हलवा जो कि दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो मौसम के एतबार से इस्तेमाल किया जाता है, हलवा घीघवार। जैसा कि नाम से मालूम है, इसमें घीघवार जुज़े आज़म है और एक ख़ास मकसद के तहत डाला गया है। दूसरे अज्जा भी हैं जिनको अभी हम देखेंगे। हलवा घीघवार सर्दी के मौसम में इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे हलवों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला हलवा है। चाहे हलवा बादाम हो, या हलवा सालब हो, या हलवा गाजर हो, या हलवा बेज़ा मुर्ग हो, बहुत सारे हलवे हमारे यहाँ बनते हैं। लेकिन हलवा घीघवार असल में एक ऐसी चीज़ है जो 40 साल की उम्र के बाद आप किसी भी शख्स को, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, खाना ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इसको जो तदबीर के तौर से, बचत बचाव के एहतियात के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जोड़ों में खुश्की ना आए, जोड़ों में जो दर्द होता है खुश्की की वजह से वो ना हो, और कमर का दर्द भी इस तरह से जो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी की वजह से स्टिफनेस से दर्द हो जाता है वो ना हो। यहाँ तक कि जो सर्दी के दिनों में खुश्की वाली खांसी होती है उसमें भी इससे आराम आता है, क्योंकि ये अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनमें एक मॉइस्चर पैदा करती है, एक फ्लूड का काम करती है। जैसे कि घुटनों के बीच में साइनोवियल फ्लूड्स होता है, जब उसकी कमी हो जाती है तो साउंड्स आती हैं, दर्द होता है, हड्डी खिसने लगती है। इस तरह की कंडीशन में हलवा घीघवार का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। हालांकि इसको अगर हिफ्ज़ मा तकद्दुम, जिसको कहें, प्रोफिलैक्टिक तरीके से अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तब इस्तेमाल करें तब भी अच्छी बात है। तो पहले एक बार हम देखते हैं हलवा घीघवार के अज्जा और उसके बनाने की तरकीब, फिर थोड़ी सी बात और करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये एलोवेरा का पल्प निकालने का तरीका। एक बार चाकू से काटने के बाद इसी तरह से हमने ये निकाल लिया है, देख सकते हैं आप। और ये गुल बनफ्शा माजून गुसील के लिए। और व्यूअर्स, ये छुहारे, छुहारों से गुठली अलग कर दी गई है। देखिए व्यूअर्स, ये अब हम छुहारे देख लिया और ये पल, और अब हलवा घीघवार को पकाने की तैयारी। आप देख सकते हैं पीसने के बाद इसमें डाल लिया गया है ये बजरा की अहमद शाही तैयार हो रहा है, और ये शरबत हाजिम। और अब फाइनली हलवा घीघवार तैयारी के करीब। घी डाल चुके हैं हम इसमें, और अब फाइनली आप देख सकते हैं हमने ये सफूह बना लिया है हलवे की घीघवार में डालने के लिए, जिसमें कि अश्वगंधा गोरी 10 ग्राम, इलायची छोटी 5 ग्राम, आंबा हल्दी 10 ग्राम, ताल मखाना 5 ग्राम, तज 10 ग्राम, सालब मिर्ची 10 ग्राम, फुलंजन 5 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, सौंठ 10 ग्राम, सतावर 10 ग्राम, शकाकुल मिश्री 10 ग्राम, लौंग 5, मीठा कूट 5 ग्राम, मालकंगनी 10 ग्राम, मजीफ 10 ग्राम, और अखरोट की गिरी 80 ग्राम, बादाम 40 ग्राम, मूसली सफ़ेद 10 ग्राम, मूसली सेमल 10 ग्राम। ये सब लेकर के हमने इसमें शक्कर 1 किलो के हिसाब में 1.5 किलो शक्कर डाली जाती है,
और ये वन टाइम का है, आप जितना टाइम बनाएंगे उतने टाइम इसको मल्टीप्लाई करना होगा। और अब देख सकते हैं आप, हलवा घी एक बार तैयार हो चुका है। इसमें ड्राई फ्रूट्स और दवाएं सब पीस कर शामिल कर दी गई हैं। और इस तरह से हलवा घी एक बार तैयार होकर पैक होकर अपनी जगह पर। तो डियर व्यूअर्स, भी आपने देखा हलवा घी एक बार के अज्जा और बनाने की तरकीब। हलवा घी एक बार को का मिजाज गर्म बदतर है, ये गर्मी पैदा करता है, तरी पैदा करता है। इसकी मकदार खुराक कम से कम 25 ग्राम है, 25 ग्राम, हालांकि ये खुराक बिल्कुल सफिशिएंट खुराक है। 25 ग्राम किसी का अगर वज़न कम है तो 15 ग्राम भी ले सकते हैं, लेकिन 25 ग्राम के आसपास अगर खुराक ली जाती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी ली जा सकती है। हलवा की अखबार को जो डायबिटिक लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो नहीं लें। इसके अलावा जिनका वज़न ज़्यादा है वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर बदन में खुश्की है, वज़न कम है और जोड़ों में दर्द है, ख़ास तौर से घुटनों का दर्द और कमर का दर्द, तो इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। अगर हम इसको, मैं एक बार फिर से कहूँगा, हर एक दवा के लिए हम नहीं कहते हैं, अगर हम इसको एक एहतियात के तौर पे, एक बचाव के तौर पे, एक खुराक के तौर पे, एक तग़ज़िया के तौर पे, एक न्यूट्रिशन के तौर पे हर साल 41 दिन अगर इसको इस्तेमाल कर लें तो एक बड़ी परसेंट इस तरह के घुटनों के बीमारियों में मुब्तला होने से बच जाती है। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि जो भी लोग 40 के बाद के हैं उनको ये साल में एक बार 40 दिन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत फायदे की चीज़ है। फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़।